हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपोस्ट्रॉफी एंड केस इन अपोजिशन, और इसमें हम एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, और वह एक्सरसाइज क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से ली गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, संबंध प्रकट करने के लिए अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। संबंध का मतलब है हमें ये बताना कि ये चीज़ इसकी है। जैसे मोहन का घर, यानी कि मोहन का संबंध है घर से, ये जो घर है ये मोहन का है। तो अपोस्ट्रॉफी जो लगता है वो का, की या के अर्थ में लगता है, संबंध बताने के लिए। संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं पजेशन, पजेशन। और का, की या के, इनकी अंग्रेजी लगती है अपोस्ट्रॉफी। ये है अपोस्ट्रॉफी, और फिर इसके बाद एस लगा देते हैं। जैसे देखिए, मोहन का घर, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मोहन, और का की स्पेलिंग होगी अपोस्ट्रॉफी एस, मोहन का, और घर यानी कि हाउस, मोहन्स हाउस। अब देखिए, जैसे दूसरा है मीरा का पति, तो मीरा का यानी कि अपोस्ट्रॉफी एस, पति यानी कि हस्बैंड, मीरा का पति, मीराज हस्बैंड, इसको पढ़ेंगे मीराज हस्बैंड। एक लड़के का बस्ता, एक लड़के यानी कि अ बॉय, का यानी कि अपोस्ट्रॉफी एस, बस्ता यानी कि बैग। अब देखिए, ये जो का की के की अंग्रेजी है, यानी कि ये जो पजेशन है, संबंध है, ये ऑफ से भी बताया जा सकता है, ऑफ, ओ एफ, इसी को। लेकिन उसका तरीका क्या होगा, अपोस्ट्रोपियस कैसे लगाते हैं, सीधा सीधा पहला नाउन मोहन, फिर का की अंग्रेजी अपोस्ट्रोपियस, घर यानी कि हाउस। लेकिन ऑफ किस प्रकार से, पीछे का नाउन सबसे पहले, द हाउस, उसके बाद का यानी कि ऑफ, और उसके बाद है मोहन, द हाउस ऑफ मोहन। इसके बाद देख, नेक्स्ट है मीरा का पति, तो ये भी इसी तरह से, इसको भी हम लिख सकते हैं द हस्बैंड ऑफ मीरा, द हस्बैंड ऑफ मीरा। अ बॉयज बैग, तो इसको द बैग ऑफ अ बॉय, यानी कि जो पजेशन है उसको हम अपोस्ट्रोपियस से और ऑफ से दोनों तरीके से दर्शा सकते हैं, बस तरीका थोड़ा अलग होगा। आगे देखिए, बहुवचन नाउन में अब एस पहले से लगा हुआ होता है, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये तो एक वचन थे, मोहन का घर, मोहन्स हाउस, लेकिन अगर एस पहले से लगा हुआ है तब हम क्या करेंगे, तब हम केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे लड़कों की कक्षा, यानी कि बॉयज़, बॉयज़ मतलब लड़कों, अब एस इसी में लगा हुआ है बहुवचन नाउन में, तो केवल अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, बॉयज़ अपोस्ट्रॉफी क्लास, ये हो गया बॉयज़ क्लास। लड़कियों का कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स अपोस्ट्रॉफी कॉलेज, केवल अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर इसके बाद एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एस इस बहुवचन नाउन में पहले से लगा हुआ है। या इसी की अंग्रेजी हम ऑफ से भी बना सकते हैं, तो ऑफ में क्या करते हैं, पीछे का नाउन पहले लिखते हैं, द क्लास ऑफ द बॉयज, और लड़कियों का कॉलेज, तो द कॉलेज ऑफ द गर्ल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई नाउन बहुवचन हो किंतु एस लगा हुआ ना हो तो अपोस्ट्रोफी एस
लगाते हैं। जैसे देखिए, बच्चों का पार्क, बच्चों यानी कि चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बहुवचन नाउन है, लेकिन इसमें एस नहीं जुड़ा हुआ है। चाइल्ड का बहुवचन होता चिल्ड्रन, तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, चिल्ड्रंस पार्क। स्त्रियों का क्लब, तो वुमेन का बहुवचन होता WOMEN का WOMEN, का यानी कि अपोस्ट्रोफी एस, वुमेन्स क्लब। नेक्स्ट देखिए, समय, दूरी या भार बताने वाले शब्दों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है। देखिए, एक दिन की यात्रा यानी कि एक दिन, आ डे की, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, आ डेज जर्नी। दो दिन की छुट्टी, टू डेज। अब दिन दो हो गए बहुवचन, तो डे में ही एस जुड़ेगा, फिर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे केवल, टू डेज लीव। ये आगे समझिए, डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मोहित के भाई का दोस्त फेल हो गया है। अब देखिए, दो पजेशन बताए गए हैं, एक तो मोहित का भाई, एक ये लगा है कि भाई का दोस्त, ये का लगा हुआ है। तो देखिए, दो बार अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए, मोहित के भाई, मोहित के अपोस्ट्रोफी एस, भाई ब्रदर, का अपोस्ट्रोफी एस फिर से, दोस्त यानी कि फ्रेंड, हैज फेल्ड। तो ये देखिए, ये वाक्य गलत है। फिर क्या करेंगे, अगर दो बार आ गया तो ये तो एज इट इज़ बनेगा, लेकिन ये जो लास्ट वाला वर्ड है, ये नाउन है, इसे सबसे आगे रखेंगे और ये इस का की अंग्रेजी लगाएंगे, ऑफ। एक बार, दोस्त द फ्रेंड ऑफ, फिर मोहित का भाई यानी कि मोहित्स ब्रदर, फेल हो गया हैज़ फेल्ड, यानी कि एक बार ऑफ लगाएंगे और एक बार अपोस्ट्रोफ यस। ये तरीका है। एक अन एग्जाम्पल देखिए, मोहन एंड हरीज हाउस इज बिग। इसको समझिए, इसका अर्थ है मोहन और हरी अपोस्ट्रोफी एस हाउस, मोहन और हरी का घर बड़ा है। ये दो नाउन लिखे हैं, एक बार अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि ये जो घर है, ये मोहन और हरी दोनों का है। मोहन एंड हरीज हाउस, यानी कि ये जो घर है, मोहन का भी है, हरी का है, तो मोहन और हरी का घर बड़ा है। अब एक और समझिए, अपोस्ट्रोफी एस अगर दोनों बार लगा है तो उसका अर्थ क्या है, मोहन अपोस्ट्रोफी एस मोहन्स एंड हरीज हाउसेस आर बिग। अब इसमें देखिए, मोहन का और हरी का, इन दोनों के घर बड़े हैं, दो बार अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि दोनों के घरों की बात हो रही है। इसका अलग घर है, इसका अलग घर है, दोनों के घर हैं बड़े, और इसमें दोनों का एक ही घर है, ये अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निर्जीव वस्तुओं में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ऑफ लगाकर अधिकार यानी कि पजेशन प्रकट करते हैं। जैसे देखिए, कुर्सी की टांग, कुर्सी एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव में काकी के की अंग्रेजी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। जैसे चेयर्स लेग, चेयर्स टांग यानी कि लेग, ये गलत है। अब ये किस तरीके से अनुवाद होगा, केवल ऑफ से। ऑफ से क्या तरीका होता है, पिछला नाउन पहले, द लेग की एन की ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर। नेक्स्ट देखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस निम्न स्थितियों में भी लगता है, जैसे भारत की जनसंख्या, तो इंडियाज़ पॉपुलेशन, प्रकृति की वस्तुएं, नेचर्स थिंग्स। अब देखिए, हमें एक चीज़ और देखनी है, केस इन अपोजिशन।
वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 91। यह हरी का स्कूटर है। तो ये एक्सरसाइज ली गई है क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से। तो यह यानी कि दिस। अब स्कूटर के लिए प्रोनाउन हम इट भी लगा सकते हैं, ये दोनों सही होंगे, दिस भी लगा सकते हैं इट भी। इट का मतलब हम स्कूटर के लिए बता रहे हैं और दिस का मतलब स्कूटर की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो दिस या इट इज मीन्स है। अब देखिए हरी का स्कूटर, तो इसमें हरी और का यानी कि अपोस्ट्रोफी एस और स्कूटर, दिस इज हरीज स्कूटर। इस एक्सरसाइज में यही बताया गया है। पजेशन, विजय का पेन किसने चुरा लिया है, किसने यानी कि हु चुरा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हु हैज़ चुराना स्टील थर्ड फ्रॉम स्टोलन। अब देखिए विजय का पेन, तो विजय अपोस्ट्रोपी एस पेन, विजय पेन, या हम विजय पेन की जगह लिख सकते हैं द पेन ऑफ विजय, द पेन ऑफ विजय, ऑफ से भी। हरीज स्कूटर की जगह लिख सकते हैं द स्कूटर ऑफ हरी, ये भी एक सही तरीका होगा। मुझे कीट्स की कविताएं पसंद हैं, मुझे यानी कि आई पसंद है, मैं यानी कि मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक कीट्स, के ई ए टी एस कीट्स। ये यह एक नाम है, एक कवि हैं, तो नाम में एस जुड़ा हुआ है पहले से, ये है तो एक वचन, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस अभी भी लगेगा, कीट्स इज पोएम्स फुल स्टॉप। आगे देखते हैं लड़कों का कमरा कौन सा है, तो कौन सा यानी कि विच है यानी कि इज लड़कों का कमरा। अब देखिए बॉयज लड़कों, और अब केवल अपोस्ट्रोपी ही लगेगा, बहुवचन नाम है, नाउन है ये, विच इज बॉयज रूम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, मुझे एक सप्ताह की छुट्टी पर जाना है, मुझे यानी कि आई जाना है, हैव टू गो। अब देखिए छुट्टी पर ऑन आ, एक सप्ताह की छुट्टी, तो एक सप्ताह ऑन आ सप्ताह की क्या हो जाएगी, वीक की अपोस्ट्रोफी एस वीक्स लीव एल ई ए वी ई प्लस स्टॉप। नेक्स्ट, मैं बच्चों का खेल लाया हूँ, आई हैव लाया हूँ यानी कि ब्रॉट, बच्चों का खेल द चिल्ड्रन और का यानी कि अपोस्ट्रोफी एस खेल यानी कि गेम प्लस स्टॉप। नेक्स्ट है अशोक की बहन के पति बीमार हैं। अब देखिए इसमें दो बार पोजेशन आ गया, तो एक बार हम ऑफ लगाते हैं, एक बार अपोस्ट्रोफी एस, ये सबसे लास्ट वाला नाउन पहले आएगा, द हस्बैंड के यानी कि ऑफ, अशोक की बहन अशोक्स सिस्टर है यानी कि इज बीमार इल प्लस स्टॉप। आगे देखते हैं पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी एक बहुत साहसी महिला थी। तो देखिए यहाँ पजेशन लगेगा, जैसे देखिए इंदिरा गांधी, अब इनके बारे में क्या बताया गया कि ये कौन थी, पंडित नेहरू की पुत्री, तो हम पहले लिखेंगे इंदिरा गांधी कॉमा, अब ये थी पंडित नेहरू की पुत्री यानी कि डॉटर ऑफ, डॉटर पुत्री की यानी कि ऑफ पंडित नेहरू, पीटी नेहरू, इसकी अंग्रेजी हम पीटी नेहरूज डॉटर भी लिख सकते हैं, थी यानी कि वॉज
आ वेरी करेजियस लेडी, CORAGEOUS, करेजियस मीन साहसी, लेडी प्लीज स्टॉप। नेक्स्ट, भारत का महान सम्राट अकबर सभी धर्मों के विद्वानों का बराबर सम्मान करता था। तो भारत का महान सम्राट कौन? अकबर। तो अकबर इसमें भी हम लगाएंगे केस एन अपोजिशन। केस एन अपोजिशन का मतलब होता है किसी नाउन के बारे में जो भी बताया जाए उसे उसी के साइड में अपोज कर देते हैं, यानी कि जोड़ कर, कॉमा से जोड़ कर लिख देते हैं। पहले कॉमा लगाएंगे और लिखने के बाद में कॉमा लगाएंगे। जैसे अकबर, अकबर कौन था? भारत का महान सम्राट, यानी कि इंडियाज ग्रेट एम्परर, फिर कॉमा लगेगा। अब क्रिया लगेगी, सम्मान करता था, रिस्पेक्टेड, सभी धर्मों के विद्वानों का, यानी कि द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स यानी कि विद्वान, के यानी कि ऑफ, सभी धर्म और ऑल रिलीजियंस, बराबर इक्वली प्लीज स्टॉप। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू एक महान देशभक्त थे। तो देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, तो पंडित नेहरू के बारे में बताया गया है कि वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो पंडित नेहरू कॉमा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वॉज मीन से एक महान देशभक्त, यानी कि अ ग्रेट देशभक्त, पैट्रियट फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।